प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में खरगोन जिले में भी यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसी बीच यात्रा खरगोन जिले के ग्राम जामली पहुंची, जहां विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर कर्मवीर सहित जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष बालूलाल परिहार, केंद्र अधिकारी प्रेमचंद्र मौर्य सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लेकर योजना से दरकिनार लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की कवायद जारी है। ऐसे में मौजूद जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी जनता से रूबरू हुए और योजना का लाभ आम जन को दिलाने की शपथ ली। साथ ही पुरस्कार वितरण किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमारा संकल्प भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको 140 करोड़ लोगों को एक लक्ष्य दिया है कि इस देश को 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। अब विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल भारत सरकार या कुछ लोगों के प्रयास से ये विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। विकसित राष्ट्र बनाना है तो इस देश के सभी 140 करोड़ लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उन सबको प्रयास करना होगा। उसी उद्देश्य से आप लोगों को जोड़ने के लिए ये यात्रा एक्चुअली चलाई गई है। और उसको कैसे एक्चुअली विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उसकी रूपरेखा तो भारत सरकार ने एक्चुअली खींची है, बस उस रूपरेखा को जोड़ने के लिए और आपको समझाने के लिए कि ये कैसे बनेगा, भारत सरकार ने जो ढेर सारी स्कीमें चलाई हैं उन एक्चुअली आज के पहले भी बहुत स्कीम हुआ करती थी। कुछ जो होशियार लोग थे गांव में या और जगह, वो लोग उस स्कीम का फायदा ले लेते थे, बाकी गरीब हमारे गांव के अनपढ़ भाई बहन उसका फायदा नहीं मिलता था। तो बेसिकली एक्चुअली इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले आप लोग जाया करते थे जिले पे, तहसील पे, अब जिला और तहसील आपके गांव में, आपके घर पे सभी लोग उपस्थित, जीवन के स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। ये यात्रा पूरे देश के हर गांव-गांव पहुंच रही है और 140 करोड़ जो इस देश की जनसंख्या है सबको इस यात्रा से किसी न किसी रूप में इस सरकार ने जोड़ने का कार्यक्रम दिया है। सब लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अभी हमने सुना जिन भाई बहनों ने योजनाओं का लाभ दिया उन्होंने अपने अनुभव बताए, और जो लोग रह गए उनके लिए कि इन्होंने मार्गदर्शन कर दिया कि जो छूट गए उन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करें और उसका लाभ लें। वास्तव में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा का नाम दिया है विकसित भारत संकल्प यात्रा, हम सब संकल्प लेंगे अभी, क्योंकि संकल्प में शक्ति होती है, जिसको हम कहते हैं संकल्प शक्ति। और जब कोई काम संकल्प के साथ किया जाता है तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है, और ये कार्यक्रम है विकसित भारत बनाने का संकल्प। विकसित भारत ये कब बनेगा, जब इसमें रहने वाले 140 करोड़ लोग सुखी और समृद्ध बनेंगे, जब यहाँ की जनता ही गरीब रहेगी तो देश को समृद्ध कौन कहेगा, इसलिए सब लोगों को समृद्ध बनाना यह इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और जो कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे सरकार के द्वारा,
इन योजनाओं का लाभ लेकर के जीवन स्तर में परिवर्तन भी आ गया, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी दो, एक गरीबी और बीमारी, और ये जब तक दो समस्याएं समाप्त नहीं होती तब तक हम सशक्त समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और इसको केंद्र में रख के केंद्र सरकार ने जो योजनाएं दी, बीमारी हटाने के लिए सबसे पहले बीमारी के लिए स्वच्छ भारत मिशन, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में भारत सरकार के प्रमुख सचिव श्री मौर्य सर और कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय सभी उपस्थित थे उस शिविर में। और इस शिविर के माध्यम से आजीविका मिशन का जो जामली में हमारे स्व सहायता समूह संचालित हैं, लगभग 23 स्व सहायता समूह हैं, और वहीं पर वो विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं वो बनाते हैं, तो उसमें हमने हमारी प्रदर्शनी लगाई जिसका प्रेजेंटेशन माननीय कलेक्टर महोदय ने भी भारत सरकार के सचिव महोदय को दिया। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन किया है। साथ ही हमने दो स्व सहायता समूहों को आजीविका मिशन के माध्यम से बैंक से लोन वितरण का भी कराया गया है। नाम है आप? अशद अहमद शेख, सहायक विकासखंड प्रबंधक, जनपद पंचायत खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।